ऑल्ट न्यूज के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर ये वीडियोस भेजे गए। यूजर ने लिखा कि ये अफवाह है, फिर से शेयर की जा रही है। आज के इस वीडियो में ऑल्ट न्यूज आपको बारी बारी से इन वीडियोस की असलियत बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो की। ये क्लिप भारतीय सोशल मीडिया पर जुलाई 2022 से शेयर की जा रही है। ऑल्ट न्यूज ने इस वीडियो की हकीकत बताते हुए ये आर्टिकल पब्लिश किया था। हमने जांच के दौरान पाया कि मिस्र में रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो नाटकीय है, जहां पर कुछ लोगों ने पैसे कमाने के लिए ये वीडियो बनाया था और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। अब आते हैं इन दो वीडियोस पर। सबसे पहले तो आप ये दोनों वीडियोस देख लीजिए। बता दे रहा है क्या? मेरा नहीं ले जा सकते। मेरा नहीं ले जाते। किसका ठाक लिया है? तेरा नहीं पाया ना। तेरा गोली पकड़ी है, बच्चा डाल रही थी वाला नहर पे, इसको पकड़ा सचिन ने। किधर बच्चा दिखाई? मैं ये रहा, ये लड़का है। किधर है सचिन? घर में कर इसका, ओए ये घर में कर इसका, ग्रुप में गिर तुमने। ये बच्चा भाई बवाना नहर पे पकड़ी है, यहाँ इसमें डाल रही थी, मुंह में छुपाया इस आदत। ये घर में करे, घर में कर समझते, बताऊंगा तो नहीं। बच्चा उठा रही थी, बच्चा छोड़। ये तीसरा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चे चोरी के दावों के साथ शेयर किया जा रहा है। यूजर्स कह रहे हैं कि डीटीसी बस स्टाफ ने इस बुर्काधारी बच्चा चोर महिला को पकड़ा। फेसबुक पर भी ये क्लिप शेयर की गई है। तो क्या वाकई में ये महिला बच्चे को अगवा करके ले जा रही थी? वीडियो को गौर से फ्रेम दर फ्रेम देखने पर हमें घटना स्थल का पता चला। ये वीडियो दिल्ली के बवाना गाँव के मेन बस स्टैंड पर रिकॉर्ड किया गया था। ऑल्ट न्यूज ने गूगल पर मौजूद इस लोकेशन के स्ट्रीट व्यू को देखकर वीडियो में दिख रही जगह को कंफर्म किया। घटना की तह तक जाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने स्थानीय पत्रकार विपुल कुमार की मदद ली। विपुल ने घटना स्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से बात की। हमने सबसे पहले तो स्थानीय दुकानदार से बात की। उन्होंने बताया कि जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया था तब वो घटना स्थल पर नहीं थे, लेकिन उन्हें ये महिला अच्छे से याद है क्योंकि वो उसकी दुकान के पास बच्चे के साथ बैठी थी, बच्चे को दूध पिला रही थी और उसका डायपर चेंज कर रही थी। स्थानीय दुकानदार ने बताया कि ये घटना 14 सितंबर को हुई थी। हालांकि महिला को देखकर इस दुकानदार को कोई संदेहजनक बात नहीं लगी। एक और दुकानदार ने हमें बताया कि वो घटना स्थल पर मौजूद थे। उन्होंने बयान दिया कि डीटीसी स्टाफ को महिला पर शक हुआ क्योंकि उसने बच्चे को अजीब तरह से पकड़ा था। इसके बाद डीटीसी स्टाफ मेंबर ने पुलिस को बुलाया। पूछताछ करने पर महिला ने कहा कि वो बच्चे को ले जा सकते हैं। बाद में पुलिस महिला को अपने साथ ले गई। इस दुकानदार ने बताया कि ये महिला मानसिक रूप से बीमार लग रही थी, उसका चेहरा भी जला हुआ था। बाद में ये सुनने को आया कि महिला के परिवार के किसी सदस्य ने पुलिस स्टेशन में महिला का आईडी प्रूफ दिया, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया था। बवाना पुलिस स्टेशन के SHO राकेश यादव ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि महिला के बच्चा चोर होने का दावा गलत है। विपुल कुमार ने पुलिस स्टेशन जाकर एक और अफसर से भी बात की और उन्होंने भी बताया कि ये महिला बच्चा चोर नहीं थी। ऑल्ट न्यूज वीडियो में दिख रही महिला की पहचान नहीं कर पाया है और न ही हम ये बता सकते हैं कि महिला को शूट करने की धमकी देने वाले अफसर के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। हालांकि स्थानीय लोगों से और पुलिस से हुई बातचीत से इतना तो बताया जा सकता है कि ये महिला मानसिक रूप से बीमार लग रही थी और इस कारण उसे बच्चा चोर समझा गया।